हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्मीन डिलाइट बेक विद स्टाइल। आई होप आपने मेरी प्रीवियस रेसिपीज को पसंद किया और उसे लाइक किया हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू इजी डेजर्ट रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है ऑरेंज आइसक्रीम। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस ऑरेंज आइसक्रीम को बनाने के लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगेंगे। पहला, सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको व्हिपिंग क्रीम लगेगा। तो मैंने यहाँ पे अमूल की व्हिपिंग क्रीम लेके रखी है। मैंने यहाँ पे इसे 1 कप के हिसाब से लिया है। मैं 1 कप व्हिपिंग क्रीम लूँगी और मेजर करने के बाद मैंने इसे ऑलरेडी बीट करके रखा है और बोल में ट्रांसफ़र करके रखा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं ये ऑरेंज फिलिंग लूँगी। ये ऑरेंज फिलिंग मैंने ये मालास कंपनी का मंगाया है। ये अमेजोन पे मिलता है। ये ऐसे 2 पैकेट्स में आता है, तो उस 2 पैकेट में से मैंने ये एक पूरा पैकेट लिया हुआ है। ये पूरा 1/2 कप के मेजर का होता है। आप चाहें तो इसे मेजर भी कर सकते हैं। ये पूरा 1/2 कप जितना ही होता है, तो इसीलिए ये मैंने पूरा ले लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं ये ऑरेंज की फिलिंग को अपने व्हिपिंग क्रीम में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ऑरेंज फिलिंग हमारी चली गई। अब हम इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे ताकि ये ऑरेंज फिलिंग इसमें एकदम मिक्स हो जाए व्हिपिंग क्रीम में। देखिए फ्रेंड्स, ऑरेंज फिलिंग मिक्स होने के बाद अभी इसमें एक अच्छा सा कलर भी आ रहा है ऑरेंज। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें एक स्क्वैश डालूंगी। मैंने ये फैप्स्ट्रा कंपनी का ऑरेंज स्क्वैश लिया हुआ है ताकि इसमें ऑरेंज की जो फीलिंग है वो और बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 टेबलस्पून ही डालूंगी ऑरेंज स्क्वैश का। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ये स्क्वैश और ये फिलिंग दोनों डालने के बाद इसमें देखिए एक कलर आया है, ऑरेंज कलर। तो अगर आपको आपकी आइसक्रीम इसी कलर में रखनी है, नेचुरल कलर जो स्क्वैश और ऑरेंज फिलिंग के वजह से आया है, तो आप रख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको इसका कलर और बढ़ाना है तो आप इसमें ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं एक पिंच। मैंने यहाँ पे वॉल कंपनी का ऑरेंज फूड कलर लिया है। ये लिक्विड कलर है, आप चाहें तो जेल कलर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ 1/4 टीस्पून ही डालूंगी। अगर आपको अपना और आइसक्रीम को ब्राइट करना है तो आप एक और 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब कलर जाने के बाद एकदम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका कलर, आइसक्रीम का कलर एकदम और ब्राइट हो गया है पहले से ज़्यादा। एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए सब, ताकि कोई कलर ऐसा कहीं रह ना जाए, इसीलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारी सब चीज़ें अच्छे से एकदम मिक्स हो गई इस बॉल में। तो अब मैंने यहाँ पे ऐसा एक कंटेनर लिया है लिड वाला। तो अब मैं इस आइसक्रीम के बैटर को अपने कंटेनर में फिल कर दूंगी।
जितना हो सकता है बैटर निकाल लीजिए। अब हम इसे थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि ये मिक्सचर थोड़ा सेट हो जाए अंदर कंटेनर में। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे बंद करके 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी, या फिर आप इसे ओवरनाइट भी फ्रीज होने के लिए रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले से एक कंटेनर में आइसक्रीम को फ्रीज करके रखा था 7 से 8 घंटे के। तो देखिए 7 से 8 घंटे के बाद ये कैसे एकदम अच्छे से फ्रीज हो गई है। तो अब हम इसे फटाफट से डेजर्ट के बोल्स में डालते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह के ग्लासेस लिए हुए हैं डेजर्ट के, आप चाहें तो कांच के कोई जो बॉल्स आते हैं छोटे छोटे उसमें भी ले सकते हैं। तो मैं इसे अपनी स्कूप से डाल दूंगी। ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट का सिरप डाल दूंगी, आप अपने हिसाब से भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप अपने हिसाब से उसे कर सकते हैं डेकोरेट। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ग्लासेस में है, एक ग्लास मैंने बना के रखा, एक ग्लास आपके सामने बनाया। तो देखिए तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई भी रेसिपी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए मेरी ये इजी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप अपने फेसबुक ग्रुप में मेरी ये रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे अगले रेसिपी के साथ। अंटिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी।